मैं दीपक का फिर से बयान लेना चाहता हूँ। कितनी बार बयान लेंगे आप? मिस्टर सिंघानिया, अगर जरूरत पड़ी तो हजार बार भी बयान लिया जा सकता है, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को आप प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, अब और क्या बयान लेना है दीपक का, जबकि उसके बयान से तुम कार्रवाई शुरू कर चुके हो। देखिए जनाब, आपके पोते दीपक, पंचम और उन दोनों लड़कों के बयानों में कोई मेल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीपक का बयान झूठा है, लेकिन इस मामले में फर्दर इंक्वायरी से पता चला है कि देर आर लॉट ऑफ लूप होल्स, बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें। और वैसे भी हमारे कानून की सिफारिश भी यही है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना? अबे राय, इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करें। इंस्पेक्टर, आप अपनी ड्यूटी करने की बजाय हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया, आपका वक्त किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमें समझाने की बजाय अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। मुसीबत तो आप मोल ले रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहकर बात करो। यहां की पुलिस के टॉप ऑफिसर्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। टॉप ऑफिसर्स को आप जानते होंगे मिस्टर सिंघानिया, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन इस देश के कानून को आप नहीं जानते। याद रखिए, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना भी किसी बहुत बड़े गुनाह से कम नहीं है। और अदालत एक पक्ष के बयान पे विश्वास नहीं करती, उस अदालत में पुलिस का बयान भी बहुत मायने रखता है। और कहीं ऐसा ना हो मिस्टर सिंघानिया, जो फंदा आप पंचम के गले में डालना चाहते हैं वो पलटकर आपके बेटे के गले में पड़ जाए। और याद रखिएगा मिस्टर सिंघानिया कि उस वक्त भी अदालत में पुलिस का बयान बहुत मायने रखेगा। याद रखिएगा। लेट्स गो सेना। और आज ये मां आपको बद्दुआ देती है। इस मां की हाय लेकर ये घर कभी आबाद नहीं रह पाएगा। अगर मेरे बच्चे पर कोई आंच आई तो आपका दीपक भी रोशन नहीं रह पाएगा। और कहीं ऐसा ना हो मिस्टर सिंघानिया, जो फंदा आप पंचम के गले में डालना चाहते हैं वो पलटकर आपके बेटे के गले में पड़ जाए। शांता, क्या सोच रही हो? सुनिए, आप पंचम का केस वापस ले लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखिए, मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। आप पंचम का केस वापस ले लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर अशोक, आपके बेटे की जमानत हो गई, प्लीज ये साइन कर दीजिए। अरे सेना, पंचम नहीं आया, कहाँ रह गया? सर, वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो, अब तुम भी यहां ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले। क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है पंचम, मैं ये सोच रहा था कि तुम कितने सही थे। वाकई विकार इंसान का बहुत बड़ा शत्रु होता है, इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीनकर उसे भटका देता है। हाँ पंचम, काश ये बात हम पहले ही समझ जाते। मुझे दुख इस बात का नहीं कि हम यहाँ हैं, पर इस बात का अफसोस है कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। इट्स ओके, जब जागो तभी सवेरा मान लेना चाहिए। हाँ, क्रोध इतना मत करो, जर जर होए शरीर, प्रेम प्याला पीय लो, राखो मन में धीर।
मन में धीर, राखो मन में धीर। थैंक्स अ लॉट ऑफिसर, थैंक यू। हाँ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, नादानी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। मेरे दोस्त नादान है, गुनहगार नहीं। उनका प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे लोगों से अगर दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। सॉरी सर। क्यों ऐसे इडियट्स के चक्कर में पड़ते हो? कर्ण भी जानता था कि जिस दुर्योधन का वो साथ दे रहा है वो गलत है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है। लेकिन फिर भी उसने महाभारत सिर्फ दुर्योधन के लिए लड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके मुश्किल के वक्त में उसका हाथ थामकर उसे इज्जत और मान देने वाला उसका सिर्फ एक दोस्त था, दुर्योधन। और ये भी मेरे दोस्त हैं, और ये तो दुर्योधन भी नहीं। मासी, पंचम अभी तक क्यों नहीं आया? तेरे पापा गए ना उसे लेने? मासी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। पंचम के बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। टीना, जब तेरी शादी हो जाएगी और तो दूसरे घर चली जाएगी, तब क्या होगा? तब की बात और है मासी, अभी क्या करूं मैं पापा को फोन करके पूछती हूँ। टीना दीदी, पंचम, 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 मेरे भाई आ गया। तू हाथी आ गया। चल, मुझे इसकी आरती उतारने दे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। क्या बात है पंचम, जानता है तेरे छूटने से हम सब कितने खुश हैं। टीना को देख, वो तो पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रही थी। क्या तू खुश नहीं है? नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने छूटने पर बहुत खुश हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के ना छूटने पर बहुत तकलीफ में हूँ। जब तक वो लोग वहां पे रहेंगे, मैं यहाँ पर कैसे खुश रह सकता हूँ? पंचम बेटा, बहुत जल्द तेरे दोस्त भी तेरे साथ होंगे। And that's a promise. तो बिल्कुल चिंता मत कर। टीना दी, आप यहाँ? एक बहन अपने भाइयों से मिलने आई। टीना दी, आप हमें भाई कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। हमने तो भाई जैसे पवित्र शब्द को भी अपनी हरकतों से दागदार कर दिया है। नहीं चिराग, हमारे किए की सजा तो हमें मिल ही रही है, लेकिन हमने तो आपको भी मुसीबत में डाल दिया। कितनी बदनामी सहनी पड़ रही होगी आपको और अंकल को, और वो बेचारा पंचम तो। हम तो आपसे माफी मांगने के भी लायक नहीं रहे। नहीं, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हो जाती है कभी कभी ऐसी गलतियां। टीना दी, हमारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए आज तक आपसे ही वो कमी पूरी करते आए हैं। और आज तो हमने वो हक भी खो दिया। खबरदार जो ऐसी बात की तो। अरे, आज के बाद तो तुम लोगों ने ये हक पाया है। आज के बाद मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरा एक नहीं, मेरे तीन तीन भाई हैं।
कितनी खुश नसीब होती होंगी वो बहनें जिनके तुम जैसे भाई होते, जो अपनी बहनों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भी जो आज तुम लोगों ने मेरे लिए किया है। टीना जी आप रोइए मत, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। ठीक है तो फिर तुम लोग मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगे, और अब तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, अब हमारा घर फिर से चिड़ियाघर बन जाएगा। चिड़ियाघर? हाँ, मेरे ये शेर और बंदर जो वहां आने वाले। हेलो माँ जी, प्रणाम, मैं राजेश्री बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है। मेरा मन कुछ घबरा रहा था, सोचा तुम लोगों से बात कर लूँ। पंचम कहाँ है? जी देखती हूँ। पंचम, दादी का फोन है। जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी तुमने कई बार फोन किया तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, तब मैंने उनसे कहा था कि तुम पिकनिक पे गए हो, अपने केस के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना। ओके, तो बात करो। हाँ दादी माँ। पंचम कैसा है बेटे, पिकनिक कैसी रही? बिल्कुल मजेदार रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर आप बताओ आप कैसी हो? ठीक तो हूँ, पर अजीब से सपने आ रहे हैं आजकल। कैसे सपने? कहीं दादाजी तो सपने में नहीं आ रहे? चलो वो क्यों आएंगे सपने में? दादाजी को आपकी याद आ गई होगी इसलिए सपनों में आपसे मिलने आ गए होंगे। क्यों ड्रीम गर्ल? चुप शर्म, मुझे जैसी बुढ़िया का मजाक करता है। अरे दादी माँ यही तो प्रॉब्लम है, अगर आप बूढ़ी नहीं होती ना तो मैं ही आपसे शादी कर लेता। बातों में तुझसे जीतना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा बता तेरे ताऊ जी कैसे हैं, चाचा चाची कैसे हैं? हाँ आज ही मिला था मैं प्रियंका दीदी से, वहां सब कुछ ठीक है, वो लोग खुश हैं अपनी दुनिया में। यार तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हें क्या करता यार, मम्मी पापा ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया यार, उन्होंने कहा कि केस से मैं पंचम का नाम वापस ले लूं, तो मैंने किया बस। ये सबके घर वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुझे मैंने इतना समझाया था फिर भी तू उनकी बातों में आ गया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों ये मैं कैसे बताऊं यार, मुझे जो करना था मैंने किया यार। अब मुझे क्या पता था कि मम्मी पापा को उसे माफ करने का भूत सवार हो जाएगा। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उस पंचम को ऐसा सबक सिखाता कि उसकी साफ पुष्ट याद रखती कि दीपक सिंघानिया आखिर चीज क्या है। अफसोस ये नहीं है कि वो छूट गया, दुख की बात यह है कि अब वो और उसका बाप उसके दोस्तों को भी अंदर नहीं रहने देंगे, आज नहीं तो कल वो भी छूट जाएंगे। उस पंचम का पंचनामा तो मैं उसी इंस्पेक्टर से करवाऊंगा जिसने हमारे घर में आकर इतना रोब झाड़ा था। नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना, अब जो करना है मैं करूंगा। फिलहाल कोशिश ये करनी है कि उसके दोस्त किसी भी हालत में बाहर ना निकलने पाए। अरे चिंता कैसे नहीं करूं चड्डा, ये केस मैंने तुम्हें अपने लिए लड़ने को दिया था ना कि अपने खिलाफ। देखिए किशोर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा, और देखिए सब कुछ इतनी जल्दी में और उम्मीद से उल्टा हो गया कि मुझे कुछ कहने और करने का मौका ही नहीं मिला। फ्रेंकली स्पीकिंग चड्डा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तुम कुछ भी कर सकते थे। अरे उस लड़के के ऊपर दो चार और चार्जेस तो लगा सकते थे, हैं कि नहीं? किशोर साहब जब पुलिस ही मुजरिमों की मदद करने लगे तो बड़े से बड़ा वकील भी क्या कर सकता है। वो इंस्पेक्टर डिसूजा तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि क्राइम पंचम ने किया है, और इस केस का की फैक्टर दीपक, उसने पंचम का नाम केस से वापस लेकर तो बाजी ही पलट दी। उसके बाद मेरे पास ना तो कोई वजह थी केस को खींचने की और ना ही पुलिस के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा। अब आप ही बताइए ऐसे में मैं क्या करता। हर बार ऐसे क्यों होता है, अब जब भी अशोक के दामन पर कालक पोतने जाते हैं हमारा चेहरा और हमारे हाथ ही काले हो जाते हैं, उसका तो कुछ बुरा होता ही नहीं। ताऊ जी
बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया को जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न को मुझसे बुरा न को मुझसे बुरा न को तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिल्या कोई जो मन झांका आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। अरे पंचम तुम आओ ना, हम तो तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। और क्या बातें कर रहे थे ये भी सुन ली। खैर, और मैं जो कहने आऊं उसे ध्यान से सुनिए। अगर रिश्तों को सवार नहीं सकते तो उनको इतना घिनौना और बदशकल मत बनाइए कि रिश्तों पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाए। पंचम, शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस वक्त तुम मेरे पापा से बात कर रहे हो। और तुम्हारे पापा ये भूल रहे हैं कि जिसके खिलाफ ये हमेशा जहर उगलते हैं वो मेरे पापा हैं। ताऊ जी, नफरत और ईर्ष्या की दीवारों से घर कभी नहीं बनते, घरों में सिर्फ दरारें पड़ जाती हैं। बिल्ली जब दूध पीते पीते आंखें बंद कर लेती है तब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर हकीकत कुछ और ही होती है। एडवोकेट चड्डा को आपने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए अपॉइंट किया था, ये मैं जानता था। इतना ही नहीं, मेरी दीदी का रिश्ता भी आप लोगों की मेहरबानी से ही टूटा है, मैं ये भी जानता था। मेरे डैड आज तक उस आदमी का नाम ढूंढ रहे हैं। सोचिए अगर मैं अपने डैड को आप लोगों का नाम जाकर बताता हूं तो। बस पंचम, बस। बहुत कह चुके तुम, अपनी औकात और अपनी उम्र से बढ़कर बात नहीं किया करते। अरे दूध के दांत तो तुम्हारे टूटे नहीं और तुम हमें हमारे ही घर में धमकाने आ गए। यही तो खोट है आप लोगों की समझ में, मेरे समझाने को आप धमकी समझ रहे हैं। ताऊ जी, मैं चाहता हूं जो कुछ भी हो रहा है आप इसे यहीं खत्म कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों के साथ साथ वक्त भी हाथ से निकल जाए। ताऊ जी, हाँ बोलिए बरखुरदार, क्या लेंगे आप? अरे भाई ललिता, तुमने अपने लाडले भतीजे से पूछा नहीं कि ये दूध पिएगा या चॉकलेट मिल्क शेक लेगा? लेना तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारे डैडी का आशीर्वाद कम पड़ गया क्या? बोलो। जी नहीं, लेकिन मेरे दामन में इतनी जगह है कि आपके दिए हुए आशीर्वाद को भी संभाल कर रख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को। पंचम, चॉकलेट खाओगे? नहीं नहीं, ये लल्लू तो लॉलीपॉप खाएगा। आओ दीदी। अरे